पानी गिरता रहा शादी दुर्गा बनवा भाई 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 पीछे हटो भाई। नहीं निकल गया अपने घर में तमाम अलवारी है तब भी शादी नहीं हुई देख लियो नाम बता दो बच्चे के भविष्य बस ये सब उस बच्चे के भविष्य हाँ सब खड़ा कर लीजिए यार एक बार वो गया फोटो वोटो लेने लेकिन अभी देखिए जो है जिस तरह से है अब दोबारा ऐसे कोई दुर्घटना ना हो। अभी फोटो भैया लेने गए अब ये जो जिस तरह से ये जो केस हुआ है जो हमारे जो साहब लोग आए हुए हैं तो बस वो एक आश्वासन ही तो दे रहे हैं कि मतलब हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे। भाई कम से कम आप ये देखिए अगर अगर लिखित में नहीं है कुछ है उस इतना निर्धन परिवार है कि उसके परिवार के पैसे तक नहीं वो अपने उन तीन लोगों का दाह संस्कार कर पाए। वो क्या घटना हुई है कैसे दुर्घटना ये हुई कि रात में वो कच्चा मकान था वो और वो मकान छत गिर गई नीचे उसमें तीन लोग नीचे दबके मर गए उसमें सफेद कॉलोनी स्थित एक खाता है जिसमें सब लोग रात 11 बजे करीब एक परिवार था उसका एक आदमी कमाने वाला था वो अपने परिवार के पास आया अपना ऊपर लेटा हुआ था करीब 3 बजे सुबह का किस्सा है कि आपातकालीन छत गिरी नीचे इसमें 3 लोगों की मौत हो गई इसमें एक 9 साल का बच्चा भी है। पूरा प्रशासन आया है सब बात चल रही आश्वासन की मांग आश्वासन कहा आश्वासन मिलेगा कब तक मिलेगा अभी कुछ कहा नहीं जा रहा कोई लिखित प्रमाण नहीं दिया गया है कोई बातचीत नहीं हुई है बस केवल आश्वासन दिया जा रहा है। ये जूही सफेद कॉलोनी में आज रात में बारिश लगातार 2 दिन से हो रही है तो उसमें अमित कुमार का परिवार रहता था अनिल कुमार का पति पत्नी और छोटा बच्चा था और रात में कब छत गिरी किसी को जानकारी नहीं हुई मिट्टी की छत थी उससे दब गए थे तीनों की मृत्यु हो गई है और इनको अस्पताल भिजवाया गया है और सुबह इस घटने की जानकारी 6 बजे हुई थी और प्रशासन की ओर से कोई मदद की है प्रशासन की ओर से इनके रिहैबिलेशन के लिए तत्काल चूंकि और मकान है आसपास जो छत जिनके गिरने की संभावना है इससे लोगों को हटाने की व्यवस्था प्लस जो भी नियमानुसार आर्थिक अनुदान है उसके लिए सीएम साहब और नगर निगम की सारी टीमें लगी हुई हैं पूरी व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं।
की जा रही है तहसील स्तर से। जो मौत हुई है उससे प्रशासन की ओर से क्या आर्थिक मदद की जा रही है, क्या मुआवजे की? नियमानुसार देखा जाएगा, उसको टीम लगी हुई है तहसील की, वो तहसील के हम लोग कह रहे हैं कि गरीब हैं तो हम मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए लिखेंगे अपनी तरफ से।